20 से 25 साल के लड़के के द्वारा सुबह 7:30 बजे चैन चिंते की गई थी। मालूम पड़ा इसका नाम है राजा कुमार, पिता का नाम रंजीत राम, ये रहने वाला है नेहरू नगर कोतवाली का। इसको पकड़ा गया तुरंत। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एंटी स्नैचिंग टीम बना रखी है, जिसको लॉ एंड ऑर्डर एरिया में इस समय DSP लॉ एंड ऑर्डर चेक कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले अभी भी हम लोग कुछ उपलब्धियाँ मिली थी, उसी की कड़ी में हम लोगों को फिर से उपलब्धियाँ मिली हैं। हम लोगों ने इसी वीक 4 और चैन स्टेचर्स को पकड़ा है। पहली घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बता रहे हैं, कल ही की घटना है। अदालतगंज तालाब के पास श्रीमती माधवी चंद्रन, इनके पति का नाम PH चंद्रन है, इनसे एक 20 से 25 साल के लड़के के द्वारा सुबह 7:30 बजे चैन चिंते की गई थी। थाना प्राप्त सूचना पर तुरंत लगा और जो हुलिया बताया गया था उसके अनुसार लड़के ने तकनीकी अनुसंधान करते हुए थानेदार ने पहले तो लड़के का सत्यापन किया। मालूम पड़ा इसका नाम है राजा कुमार, पिता का नाम रंजीत राम, ये रहने वाला है नेहरू नगर कोतवाली का। इसको पकड़ा गया तुरंत और इसने अपनी अपराध में संलिप्तता स्वीकार की और जो चैन छीनी थी वो भी हम लोगों ने रिकवर कर ली। ये मूलतः एक मजदूर ही है और मेनली पैसे की कमी के लिए ये लोग ये चैन छीनते का काम कर रहे हैं। दूसरा केस है राजीव नगर का। राजीव नगर में 14 तारीख को रोड नंबर 5 के पास छिनते हुई थी। इसमें ब्लू ग्लैमर पर दो लोगों का चेहरा CCTV फुटेज में कैच हुआ था। हम लोग लगे हुए थे इस चीज़ में, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और दो लोगों को पकड़ लिया है। एक हैं भरत कुमार और दूसरे सत्यजीत कुमार। ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों के पिता का नाम सुरेंद्र राम है। मूलतः दोनों मनीचक मसौड़ी के रहने वाले हैं और पिछले 3 साल से फुलवाड़ी में रह रहे हैं। दोनों ही ऑटो चालक हैं और अपने एक मित्र की सहायता से इन्होंने चैन स्नैचिंग का काम पिछले महीने ही स्टार्ट किया और 2 महीने के अंतराल में ही इन लोगों ने 5 घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और 3 घटनाओं में जो चैन उन्होंने चोरी की थी वो चैन हम लोगों ने रिकवर कर ली है। इसने अपने तीसरे साथी का नाम भी बताया है जो मसौड़ी का रहने वाला है। हम लोग उसके भी अनुसंधान कर रहे हैं, जल्दी उसे पकड़ लिया जाएगा। जिन घटनाओं में इन्होंने अपनी संलिप्तता बताई है, राजीव नगर के अलावा SK पुरी में विवेकानंद मार्ग पर छिनतई हुई थी, SK पुरी में ही अल्पना मार्केट कामत रेस्टोरेंट के पास छिनतई हुई थी, रूपसपुर में विवेक विहार कॉलोनी मोड़ पर छिनतई हुई थी और रूपसपुर थाना में ही चौधरी गेट के पास छिनतई हुई थी। इन केसों में इन्होंने संलिप्तता स्वीकार करी है। ऐसा पॉसिबल है जो उनका तीसरा साथी है वो पकड़ा जाए तो और भी छिनतई वाले केसेस का खुलासा हो।